कितने आदमी वहाँ कंप्लेन किया हमसे, लेकिन कोई सामने नहीं आता। लेकिन हम अपने पिताजी को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो जिस परिस्थिति में हमको बस हम सबसे यही चाहते हैं जो हमको इंसाफ दिलाए, हमको इंसाफ चाहिए। और देख लीजिए अपने कैमरा के माध्यम से देख लीजिए काफी सारा यहाँ पे रिपोर्ट है, और एक हॉस्पिटल का, और देखिए कितना सारा रिपोर्ट है, एकदम पूरा थैला भर के लाई हुई है। तो हाँ ये देखिए, ये है मेदांता, ये है मेदांता, देखिए देखिए सब ये मेदांता का है, ये मेदांता, ये है मेदांता, सब ये मेदांता का सारे टेस्ट लेने के बाद यहाँ टेबल भर गया, पूरा थैला भर के लाई हुई है। तो देखिए इस चीज को ज्यादा से ज्यादा जो है कि फैलाइए। और 9 तारीख को हम एडमिट जब कर लिए तो हम बोले कि सर तो ऑपरेशन तो आप तो बोले थे ओटी है 10 को मॉर्निंग में, ओटी हुआ ही नहीं, तो हमको तब बहाना नई नई कहानी बनाने लगा। अब मान लीजिए वो डॉक्टर है तो उनको जब खुद पता नहीं, हमको तो फिर फंस गए हैं। वो जो कहेंगे वो बोले कि ठीक है प्रोसीजर हो रहा है, तो आपने वो हमसे पहले बोले थे कि प्रोसीजर होगा कि इनको देख लेंगे जो पहले बाबा को और कष्ट नहीं हो, आपको पहले याद नहीं आया? उसके बाद पहले कहते हैं कि स्टैंड में देखिए कोई भी पेशेंट जब सबसे पहले हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले उसका टेस्ट होता है, पूरा उसका रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट के बाद ये डॉक्टर ये करते हैं कि इसका ऑपरेशन करना है कि दवा से पेशेंट को ठीक कर देना है, ये सारी चीज़ रिपोर्ट को देख के वो पहले ही तय कर लेते हैं। ऐसा वो कुछ नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं किए, डायरेक्ट ओटी का के ऑपरेशन करके हमको एडमिट लिया गया पेशेंट को। पहले वो कहते हैं ना कि देखिए हमारा जो प्रोसीजर है हम करेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे आपके इनका ऑपरेशन हो सकता है। ये तो वो हमको नहीं बोले, हमको तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, बस छोटा सा ऑपरेशन है जो कि हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। जब वो एडमिट ले लिए तो सिर्फ 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक वो सिर्फ बेड पर रखे, बेड पर रखने का उनका बिल हो गया 1,74,000। जब बिल हो गया उतना, उसका हमें क्या पता, हम तो पैकेज में थे, हम तो ये थे, तो हम उनको बोल रहे थे कि सर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वहाँ पे दवाई सुई क्या चला रहा है, तो वही समझे, बस देखते थे जो आप तो एक बार पैकेज ले लिए। हाँ पैकेज ले लिए, अब क्या दवाई दे रहा है नहीं दे रहा है वो तो हमको नहीं पता, बस देखते थे जो हमारे पिताजी 13 तारीख तक खाना खा रहे थे, 13 तारीख रात से नहीं खाए, रात के बाद से उनको मना कर दिया गया जो प्लास्टिक होकर, ये 13 जुलाई, हाँ 13 जुलाई को। तो डॉक्टर अविनाश बोले एंजियोप्लास्टिक होगा जिससे कि वो ब्लॉक हो जाएगा, और फिर हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होगा तो उसको रिकवरी कर, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ गलतियां तो असिस्टेंट ही कर देते हैं, वो डॉक्टर से भी इतना ज़्यादा महान हो जाते हैं, उन्हीं को सारा चीज़ पता होता है, वही इतना गाइड करने लगेंगे, डॉक्टर से पूछने कोई जरूरत नहीं। वहां जाने के बाद हमको अब इस तरह से बेबस कर दिया जाता था, जैसे आदमी को गला नहीं अटका देता है तो आप ऊपर सांस लीजिए कि नीचे, ना हम ऊपर ले सकते थे, वो जैसा कंडीशन लगता था ना नीचे, हमारी मजबूरी होती, वो जो कहता था वो मुझे, मैं बीच बिचाओ वाला बात करती थी, कहती ठीक है सर आपके हिसाब से जो बेस्ट होगा कीजिए, लेकिन वो बेस्ट क्या करेगा, इतना खराब किया जो हमारे पिताजी जो चलते मरने, जो फांसी की सजा होती है उसको भी अंतिम इच्छा पूछा जाता है, उनको तो वो भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, वो क्या गुनाह किए थे? ऐसा तो कोई गुनाह नहीं किया, इलाज करवाने गए थे तो वो तो हम नहीं बोले थे भाई तुम उनको एकदम पूरा मरने का, बोलने के नौबत में नहीं रहे 14 के तारीख से बाद, मतलब इलाज के दौरान विदाउट ऑपरेशन, इलाज के दौरान पेशेंट को इस कंडीशन में ला दिया जाता है कि पेशेंट बोलते हुए आता है फिर वो बोलने के दशा में भी नहीं रहता है, ये कैसा इलाज था, ये कैसा ट्रीटमेंट था? कहीं भी कोई पेशेंट जाता है तो वो और रिकवर हो जाता है। तो हमको बोलते हैं वो जब वहाँ अंदर में कंडीशन रखता है कि देखिए मैडम थोड़ा सा एक और फिर जनरल GI सर्जन से सर्जरी करना पड़ेगा, हम बोले ठीक है कीजिए, तो कहता है कि पहले पैसा जमा कीजिए, हम कहे कोजी का पैसा जमा करेंगे, यहाँ पेशेंट मर रहा है, पेशेंट आपको नहीं कहा वो पैसा, वो 4-5 घंटे अटका रहा, फिर हम हंगामा कर दिए, हम तो देख लिए जो हम उनको देखने के बाद समझ गए, अंदर में हमसे लिखवा रहा था जबरदस्ती कि आप लिख के दीजिए, हम बोले इससे हम नहीं, हम लिखते हैं आप सिग्नेचर, हम बोले हम क्यों, आप क्यों लिखिएगा सिग्नेचर, हम करें, हम लिखेंगे आप सिग्नेचर, हम उस पर लिखे कि अचानक से ये हमारे पेशेंट का गंभीर स्थिति हो गया है, सारी सूचना अचानक दी गई है, वो कहता है कि अब इनको वेंटिलेटर लगेगा, ये करना है, ICU में ले जाना है, जो कि पहले से हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, और सारी ये डॉक्टर इस तरह से माहौल बना लिया कि ऐसे सहानुभूति दिखा रहा था कि जो 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 कर रहा है सब हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है, जबकि सारा कुछ वो हमारा बर्बाद। विनम्रता है कि पेशेंट का स्वास्थ्य गिरते जा रहा है, मतलब एक बेटी के सामने उसके पिता की स्थिति बिगड़ते जा रही है, लेकिन उसके बेटी से पैसे की मांग की जा रही है, मजबूरी का पैसा। तो क्या ये नहीं समझ रही थी, ये इतनी नासमझ थी, आपके हॉस्पिटल के सारा कारनामा को ये धीरे धीरे देख रही थी, समझ रही थी, वॉच भी कर रही थी, तो यही है
कभी कभी कोई हॉस्पिटल जो हैं ये भूल जाते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो अर्थ से नहीं मन से भी बहादुर होंगे और हमारे सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो फिर वो जो हो गया प्रोसेस, हम आए नीचे, बोला कि नीचे से वो क्लियरेंस आएगा उसके बाद वो मैंने दिया जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से हाथ खराब था, वो दिखावटी हमारे पास शो अप कर रहा था कि हम लोग आपके साथ हैं कि जितना हो सकता है। फिर वो हम कह रहे थे, हम बोले हम एक रुपया नहीं देंगे, हो हंगामा किए बहुत सारा वहाँ किए, कोई कुछ नहीं। फिर हमारे साथ उसका एक कोई स्टाफ था, वो डॉक्टर शिवोध कुमार मिश्रा जी, वो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किए, ठीक है। तो एक लाख रुपया वो उस टाइम बोला कि 1,00,000 कम, अब हम आपका ओटी क्लियरेंस करा दे रहे हैं, इतना का बिल सारा मेरे पास रिकॉर्ड है, कैसे क्या हुआ है नहीं। तो 1,74,000 के आधार पर 5,00,000 बिल भरते, वो 4,00,000 कितना का वो रिकॉर्डिंग भी है जो उनसे मेरी बात हुई है। तो वो बोले कि 1,00,000 हमको दे दीजिए, 1,00,000 कम से कम, तो आपको पेशेंट का छोड़ दिया जाएगा। हम बोले कि हम नहीं दे सकते हैं, फिर भी जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज करके 1,00,000 उसको दिए। फिर जाके फिर अब पेशेंट तो मेरा एकदम लास्ट हालत में था, तो डॉक्टर संजय बोलता है कि हम क्या कर सकते, ये दवाई का प्रोसीजर का साइड इफेक्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम बोले हम पूछ रहे हैं, डॉक्टर होके उसको पता नहीं है जो ये दवाई खाने से पेशेंट को क्या होता है, क्या हो सकता है, तो फिर वो डॉक्टर किस चीज़ का है? इतना बड़ा हॉस्पिटल मैदान था, किस बात का नहीं होगा, आपको नहीं आइडिया है, आप डॉक्टर बने क्यों? सुपर जो स्पेशलिस्ट जयप्रभा मैदान था, किस चीज़ का ये हॉस्पिटल है? हाँ। जब उसको खुद पता ही नहीं है इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, तो डॉक्टर क्या है? इसका मतलब माफिया का अड्डा बना के रखा है। हाँ, पैसे लूटो के बल पे डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो कहता है हमसे, उसका स्टाफ सब जो कहता है कम क्या कर सकती हैं, 50,000,000 रुपया ले लेते तो कुछ होता ही नहीं, आप क्या कम कर। इस बार तुम्हें बहुत गलत जगह पंगा पड़ गया, हम नहीं छोड़ेंगे। जिस जनता हॉस्पिटल के स्टाफ इस तरह से, हाँ बदतमीजी, हमने हो हंगामा किया है उसके, हम खुद रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने खूब गाली पढ़ा, खूब मैंने उसे किया, तो जब मैं गलत थी तो क्यों नहीं कंप्लेन? वो कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊं, बोले जिसको बुलाना है तुम बुलाओ, हम जो चाह रहे हैं तुम बुलाओ। बिल्कुल। अच्छा, आपके पापा वहीं पे एक्सपायर हुए थे या फिर वहां से बाहर? मैं मरे थे वेंटिलेटर पे, अब उसको वहां रखते क्या, रखने से फायदा था? वो बोला कि देखिए अब इनका कुछ नहीं हो सकता है। कब ये चीज हो गया था? 14 तारीख 15 तारीख को 14 को हुआ। 14 के बाद कितने दिन वो रखे वहाँ पे? 3 ही दिन रहे, वो बोले क्या कुछ नहीं। जब वेंटिलेटर पे लिए 16 तारीख तक। हाँ 16 तारीख, 16 को 16 तारीख तक। हाँ 16, ये 2 दिन में जो है उनका बिल और बढ़ गया, बढ़ा बिल। हाँ, बहुत बढ़ा, लेकिन हाँ, हम वो कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि हाँ, उसका कमी था ना, अपना कमी छिपाने के लिए 1,00,000 रुपया देकर हमसे रफा दफा, उसका भी बिल है वो सही था। मतलब टोटल बिल अगर 4,00,000 बिल हुआ, 5,00,000 बिल हुआ, आप जब सही हैं तो टोटल लीजिए। हाँ तो एक लाख लेके कॉम्प्रोमाइज, 1,00,000 रुपए लेके तुम सही काम करोगे। हाँ, तो हम यदि सही काम करेंगे तो हम 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे, तो हम क्योंकि होगा। वो बताए नहीं किस कारण जो है कि आपके पिताजी का ये नहीं, वो कुछ नहीं बोला कि दवाई प्रोसीजर का साइड इफेक्ट है, हम क्या कर सकते हैं? साइड इफेक्ट है तो आप दवाई देने से पहले, हम बोले कि हम बोले उनको तो सर ये तो पहले से तो इनकी आंत नहीं खराब थी, 72 सेंटीमीटर का आंत, 24 घंटे में आंत खराब हो जाती है। आप हमको सिखा रहे हैं जो इंसान तरफ रहा है। हाँ, जो पहले से उनको दर्द नहीं था, उनका दर्द हम बयान नहीं कर सकते हैं। उस चीज जब मुझे याद आता, याद होता है कि डॉक्टर को हम मार दे चाहे डॉक्टर हमको मार दे, वो सीन जब मुझे याद आती है, तो बेटी अपने पिता को तड़पते हुए देखी है, दर्द में देखी है, चलते फिरते पिता को यही सुमित से लेकर आई थी कि मेरे पिता ठीक होकर जाएंगे। मेदांता काफ़ी नामी बड़ा हॉस्पिटल है, और जब इनको इनके पिता का डेड बॉडी मिला होगा तो वो पीड़ा का हम लोग भी कल्पना कर सकते हैं। वो हमको कहते हैं कि देखिए अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, MICU में जब उनको वेंटिलेटर का अलग विभाग है, उसमें भी क्या है, आपको अंदर मान लीजिए जिस अंदर में रखा वो मेन गेट अंदर ही है, मोबाइल अंदर लेने ही नहीं जाने देता था, मोबाइल तक नहीं लेने जाता, क्या हम कोई क्राइम करने जा रहे? किसी को नहीं, एक बच्चा तक का नहीं, फिर हम बच्चा के लिए आवाज उठाएं? अपना सुरक्षा, अपना जो रूल होता है, इतना प्रोटोकॉल बना लिया है कि हम कितना भी गलत करें तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मोबाइल नहीं ले जाने देता है, क्यों? कौन सा कोई चोरी डकैती हो रहा था जो मोबाइल नहीं लेने जाता है पेशेंट को? मिनिस्टर के पास जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं, वो कौन सा बड़ा आदमी है जो मोबाइल नहीं लेने जाता? नहीं तो ऑफिस में चल जाइए, वहाँ भी ऐसा नहीं, तो मोबाइल हमको नहीं लेने जाने। हाँ, तो सारी लाइव रिकॉर्डिंग हम दिखा देते, जितनी बाहर जहां तक मेरे पास मोबाइल रहता था तो वो तो रहता ही था मेरे पास रिकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन उसके अंदर किसी को नहीं मोबाइल लेने जाने दे। वो कहा कि मेरा क्या कर, कोई बिगाड़ क्या सकता है? कैसा कैसा गया,
50-50 लाख रुपए तो कुछ किए ही नहीं। बहुत जल्द हम लोग मेदांता में जाएंगे, बहुत जल्द मेदांता में नारायणी शक्ति फाउंडेशन की टीम जाएगी और इस आवाज़ को बुलंद करेगी। और इसी तरह किसी और के साथ नहीं हो, इस चीज़ के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, और कभी भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें आप कि अगर वो पेशेंट को भर्ती कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, हर एक चीज़ को आप क्लियर करके रखना है, क्लियर समझना है, तभी जाके आगे कदम लेना है। और किसी भी हॉस्पिटल में सबसे पहले पेशेंट का पूरा टेस्ट होता है, टेस्ट में क्या आया सारा रिपोर्ट सामने आता है, उसके बाद कोई डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे कि दवा के द्वारा पेशेंट को ठीक करेंगे, ये सारी चीज़ें तय की जाती है। लेकिन जैसा इनका कहना है तो इनके केस में कोई टेस्ट नहीं होता है पहले, सबसे पहले ही जाने के साथ कहा जाता है कि मतलब पेशेंट का ऑपरेशन किया जाएगा। वो हमको कहते क्या है कि ठीक है ऑपरेशन हो जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, उसके बाद देख लिए। हाँ, उसके बाद एडमिट करने के बाद इनको प्रोसीजर सब नजर आता है, हाँ। ये करने से ये नहीं होगा, ये करे तो हाँ। पहले आप सोच लेते ना भाई, आप पहले क्यों नहीं सोचे, जो हमको आप फंसा के उसके बाद कह रहे हैं जो ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। आपसे हम पूछे थे वहाँ, जबरदस्ती एग्रीमेंट पे साइन करवाया, जबरदस्ती, वहाँ मेरे पास मोबाइल नहीं था जिसके आपसे साइन, वो कहा कि सिग्नेचर कीजिए, तो हमारी परिस्थिति ऐसी थी जो ना हम ऊपर सांस लेते नीचे, उस परिस्थिति में हमने किया। अब वो एग्रीमेंट कुछ भी लिखा होगा इस चीज़ का हम वैल्यू नहीं देते, क्योंकि ऐसा भी नहीं से नहीं हुआ है नहीं हाँ। वो अब मान लीजिए हम जब मर रहे हैं, हमारे अंदर गन सटाई रहेगा तब हाँ। क्या करेंगे हाँ। प्राण बचाने के लिए तो आप जो कहिएगा हाँ। कहिएगा तुम हाँ। गला का मंगलसूत्र भी दे दो तो हम वो भी हाँ। दे देते, वही हाल हमारे साथ वो किया। एक नियम और होना चाहिए, वो जो एग्रीमेंट करता है तो पेशेंट को जो अटेंडेंट होता है उनको मिलना चाहिए, नहीं ये नियम गलत है। वो जाएगा ऑप्टिमाइजेशन जाता है तब जाके सिग्नेचर के, आपको ना पढ़ने का मौका मिलेगा ना समझने का। और नाम भी पूछिए जो असिस्टेंट का, तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलेगा नाम से क्या मतलब है, ऐसा बोली हमको। और जबकि हमने उतना हो हंगामा किया तब जाके उस मोहनने से कॉम्प्रोमाइज कराए, वो जब सही थे तो क्यों कॉम्प्रोमाइज, इतने दयालु थे तो फिर काहे ने फ्री में इलाज करते हैं, क्यों गरीब का। कितने आदमी वहाँ कंप्लेन किया हमसे लेकिन कोई सामने नहीं आता, लेकिन हम अपने पिताजी को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो जिस परिस्थिति में हमको बस हम सबसे यही चाहते हैं जो हमको इंसाफ दिलाए, हमको इंसाफ चाहिए। और देख लीजिए अपने कैमरा के माध्यम से देखा लीजिए, देख लीजिए काफी सारा यहाँ पे रिपोर्ट है और एक हॉस्पिटल का, और देखिए कितना सारा रिपोर्ट है, एकदम पूरा थैला भर के लाई हुई है। तो हाँ ये देखिए, ये है मेदांता, हाँ ये है मेदांता, देखिए देखिए सब सब ये मेदांता का है, ये मेदांता, ये है मेदांता, सब ये मेदांता का सारे टेस्ट लेने के बाद यहाँ टेबल भर गया, पूरा थैला भर के लाई हुई है। तो देखिए इस चीज को ज्यादा से ज्यादा जो है कि फैलाइए और शेयर कीजिए, और मेदांता हॉस्पिटल का अच्छे से एक्सपोज कीजिए कि किस तरह से वो मजबूर पीड़ित पेशेंट का जो है वो फायदा उठाते हैं। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, एक्सपोज कीजिए। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपना कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा।